दास और मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ। अमेजन पे में जो हमारा अमाउंट रिफंड होकर आता है उसको बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र करें। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, अमेजन ऐप में जाएंगे और हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में हम सबसे पहले ऊपर 3 लाइन दिखेंगी लेफ्ट साइड में, ये देखिए ऊपर 3 लाइन दिखेंगी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। हमने क्लिक कर दिया तो हमें यहाँ अकाउंट दिखेगा, ये देखिए ये अकाउंट है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक करने के बाद में सब नीचे नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और ये का ऑप्शन हमें ज़रूर मिलेगा, वो है अमेजन पे का। ये देख सकते हो आप, अमेजन पे का ये ऑप्शन हमें मिला हुआ है। और अमेजन पे में फोर्थ ऑप्शन ये है मैनेज पेमेंट ऑप्शन, ये तो इसमें क्लिक करना है मैनेज पेमेंट ऑप्शन में। अब हमने मैनेज पेमेंट ऑप्शन में क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद में हम नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद में हमें एक ऑप्शन और मिलता है मैनेज बैंक अकाउंट, ये मैनेज बैंक अकाउंट ये ऑप्शन हमें मिलेगा, इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है मैनेज बैंक अकाउंट के ऊपर। अब हम मैनेज बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये क्या कहता है, ऐड बैंक अकाउंट। अब ये पूछ रहा है कि आपके पास आईएफएससी नंबर है, आईएफएससी नंबर है जो बैंक का कोड होता है, तो हमने कर दिया हाँ यस। तो वो कह रहा है कि क्या है, आप आईएफएससी नंबर डालिए आपके बैंक अकाउंट का, तभी उसी में पैसे वापस आएंगे। तो हमने डाल दिया, हम अभी ये हमने आईएफएससी कोड डाल दिया है ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक्सिस बैंक MHOW ब्रांच MHOW। फिर ये कह रहा है कि भाई आपका बैंक सिलेक्ट टाइप बैंक अकाउंट, अभी हमने क्या कहा सेविंग अकाउंट कर दिया। सेविंग अकाउंट करने के बाद में एंटर नेम, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे होल्डर नेम जिस अकाउंट में पैसे मंगाना है उनका नेम, बैंक अकाउंट का नंबर, फिर डबल हम बैंक अकाउंट का नंबर डाल, बैंक अकाउंट का नंबर फिर डालेंगे दो बार, बैंक अकाउंट का नंबर एक बार, आईएफएससी नंबर एक बार, होल्डर नेम डालते, फिर उसको क्या करेंगे हम लोग सेव करेंगे। ये सेव होने की प्रक्रिया जैसे हमने अभी सेव के ऊपर हम ये डालने के बाद हम सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जब हमने नेक्स्ट प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया था, अभी उसी प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारा आईएफएससी कोड, सेविंग अकाउंट, होल्डर नेम जिसका बैंक अकाउंट जिसके नाम से है, डबल अकाउंट नेम डाला, उसके बाद सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा अकाउंट सक्सेसफुली इस अकाउंट से लिंक हो गया। योर सेव बैंक अकाउंट आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे नाम आ गया, बैंक अकाउंट आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, आईएफएससी कोड आ गया, सारी डिटेल यह आ गई। अब हुआ यूँ कि अब हमें पैसे वापस मिलेंगे, हमने तो बैंक नंबर ऐड
कर दिया है, इसमें हमने बैंक नंबर ऐड कर दिया है, तो हमारे पैसे बैंक अकाउंट में आएंगे कैसे? तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें टोल फ्री नंबर, जो अमेज़न का टोल फ्री नंबर है, उसके ऊपर हमें एक बार फ़ोन करना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि मेरा अभी अकाउंट नंबर ऐड हो गया है, आप कृपया पैसे भेज दीजिए। उनका टोल फ्री नंबर है 1 8 0 0 3 0 0 0 9 0 0 9। एक बार मैं बता दूँ, ये सही नहीं आया, 1 8 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 9। इस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर अभी ऐड हो गया है, तो वो अपने आप उसमें अकाउंट में डाल देंगे। यही आज की वीडियो थी कि हमारा अमेज़न पे में जो बैलेंस है वो बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए यही वीडियो समाप्त कर देते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।